चैलेंज है मेरे लिए, एक चैलेंज ही है जैसे कि अभी अकेला वीडियो बनाऊँ प्लस बाइक भी चलाऊँ तो कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि वीडियो अच्छे से बनाने के लिए। एंड अभी यहाँ पे टर्निंग है तो मेरे को अभी गियर कम पड़ना पड़ेगा, तो मैंने गियर कम करते हुए बाइक की तरफ लीन करते हुए चांसेस है, इसलिए मेरा मतलब पूरा फुल बढ़ जाता है, मैंने कन्फर्म है कि मेरा एक्सीडेंट होना है, क्योंकि एक हाथ से फोन और एक हाथ से वीडियो करना ये तो शायद मुश्किल ही होगा, फिर भी मैं कर रहा हूँ। कोई बात नहीं भाई, हम भी प्रो है, वैसे आदमी लोग पबजी में प्रो होते तो हम लोग ज़्यादा बाइक चलाने में प्रो है, तो प्रो का तो कुछ बात ही अलग होता है कि नहीं। एक्चुअली हाँ, मैं जो कर रहा हूँ अभी, एक हाथ से बाइक चला रहा हूँ और एक हाथ से वीडियो कर रहा हूँ, एक्चुअली ये बहुत इल्लीगल है, इससे मेरा जो एक्सीडेंट का चांसेस है इससे मेरा मतलब पूरा फुल बढ़ जाता, मैंने कन्फर्म है कि मेरा एक्सीडेंट होना है, क्योंकि एक हाथ से फोन और एक हाथ से वीडियो करना ये तो शायद मुश्किल ही होगा, फिर भी तो गाइस अभी हम लोग फाइनली नारकुटिया क्रॉस कर चुके। तो है गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं नारकुटिया जयपुर से सीधे देवमाली के तरफ रवाना होते हुए, तो रोड वैसे ठीक ठाक ही है लेकिन यार भाई देवमाली का सड़क तो बहुत ही सुंदर नहीं है, बिकॉज आज सड़क तो भाई सड़क ही है, रास्ता पूरा ही ख़राब है यार। इधर तो शायद R1 लेके आने से तो शायद नीचे का जो गैली घाट है वो तो शायद लग ही जाएगा, बिकॉज रास्ता जो है ना बोले तो फाड़ू है, क्या फाड़ू, एक्चुअली हिल्स रास्ता ऐसा ही होता है, जो पहाड़ी रास्ता होता है वो ऐसा ही होता है, लेकिन थोड़ा कुछ ख़राब भी है थोड़ा अच्छे भी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ रात यानी कि विदिंग टाइम में अगर आप 4 बजे के करीब इस एरिया पे घुसते हो तो यहाँ पे आपको हाथिया मिलेगी, हाथिया हाथी निकलता है बोला है, कल परसों यहाँ पे निकला था, लेकिन हम सुना था रेगुलर ही निकल रहा है हाथी यहाँ पे, तो इसीलिए मैं सुबह दोपहर का 10-12 बजे के करीब निकला हूँ घर से, इवनिंग टाइम में यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होता है क्रॉस करने के लिए।